राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक सचिवालय में मंत्री रमेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कई नीतिगत निर्णय भी लिए गए। बैठक के बाद मंत्री रमेश मीणा ने कहा कि स्वर्ण आभूषणों की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार अभियान चलाएगी। वहीं मिलावटी पदार्थों को लेकर मंत्री ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार की तर्ज पर ही इस बार भी शुद्ध के लिए युद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिससे खाद्य पदार्थों में आ रही मिलावट को रोका जा सकेगा। रमेश मीणा ने कहा कि मिलावट को रोकने के लिए एक सब कमेटी का गठन भी किया जाएगा। कमेटी की रिपोर्ट पर नीतिगत फैसला लिया जाएगा। भी जैसे हमारा BIS वाला है, जो स्वर्ण आभूषणों के मानक हॉलमार्क तय करते हैं, उनको कहा गया कि हमारे विभाग के माध्यम से एक विशेष अभियान चलाकर, जैसे आदमी 400 कह देते हैं 23 कैरेट का माल है, 24 कैरेट का माल है, जब जरूरत पड़ने पर जो चेक कराता है या उसको जरूरत पड़ती है तब पता लगता है वो 10-12 कैरेट का ही है। तो इस तरह की जो धोखाधड़ी होती है स्वर्ण आभूषण, उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई हुआ। ISI मार्क है, एग मार्क है, आपके जैसे आपके खाद्य वस्तु हैं, ब्रांडेड नाम है, कुछ घटिया क्वालिटी के माल बेचे जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है, हम चाहते हैं कि एक इंस्पेक्शन हो, एक कमेटी बने, और हमारी जो राज्य स्तरीय आज मीटिंग हुई है इसमें एक निर्णय लिया गया है कि हम एक सब कमेटी बनाएंगे और वो समय समय पर इन चीज़ों का निस्तारण करेगी, कमेटी एग्जामिन करेगी, उस कमेटी के एग्जामिन से जो हमें जो निर्णय आएंगे उनको हम देखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट में आम जनता की